भाइयों और बहनों, टीएमसी और इंडी गठबंधन को आपके विकास से कोई मतलब नहीं है। इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। बंगाल में टीएमसी ने ओबीसी को जो धोखा दिया, उसकी कलाई कोर्ट ने खोल दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। यानी टीएमसी ने लाखों ओबीसी नौजवानों का जो हक मिला था उनको संविधान ने दिया था, बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था, देश की पार्लियामेंट ने दिया था, वो ओबीसी का जो हक था, रातों रात ये वोट जिहाद वालों को मदद करने के लिए इन्होंने लूट लिया है। और आप देख रहे हैं कि कोर्ट के इस फैसले का उसके बाद ये टीएमसी की सीएम क्या क्या बोल रही है, उनका क्या रवैया है। मैं तो हैरान हूं, यहां के जजों की नियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारी न्यायपालिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं जरा टीएमसी वालों से पूछना चाहता हूं, अब क्या जजों के पीछे भी अपने गुंडे छोड़ दोगे क्या? पूरा देश देख रहा है कि कैसे टीएमसी बंगाल में न्यायपालिका का गला घोंट रही है।